आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई, हजरत आदम को उनकी औलाद दिखाई, फजाल यरा फजाइला बादुहुम अला बाद। तो अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की फजीलतों पे नजर डाली, उनमें से कुछ ऊंची शानों वाले, कुछ नीची शानों वाले, कुछ ऊंची शानों वाले, कुछ नीची शानों वाले, फरानूरन साफियन फी असफले गेम आए। अब जुमला आने लगे, हजरत आदम ने ऊपर से नीचे नजर डाली, ऊपर से नीचे से मुराद ये है कि शजरे के तौर पर, यानी पहले शीश नीचे फिर दनियाल फिर नीचे नू फिर नीचे इदरीस, ऊपर से नीचे। यार इतना बड़ा जुमला आने लगे, आप मजा आएगा आपको। एक गल तो समझ आई में क्या क्या हजरत आदम के बेटों को अल्लाह ने दिखाया, यानी उनकी औलाद की शाने उन्हें दिखाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी औलाद में से, जाहिर है औलाद में से, ये तो नहीं कि अरबों खरबों को देखा, वही फजीलत वाले होंगे जो किसी खाते में भी हैं। यार हम किस खाते में और हमारी हैसियत ही क्या है? यकीनन अल्लाह ने हजरत आदम को नबी पैगंबर ही तो दिखाए होंगे। अब जो नबी पैगंबर दिखाए, उन नबियों पैगंबरों की बाजों पर फजीलतें देखी किसने? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने। अब जरा अगला जुमला सुनना है। तो हजरत आदम ने ऊपर से नीचे देखा तो क्या देखते हैं कि नीचे से एक नूर ऊपर को उठ रहा है। ये ऊपर से नीचे समझ आइए, जनाबे शीश जनाबे यान जनाबे कैनान जनाबे मिले जनाबे प्यारे इदरीस मुतबशिर लमक निकलम नू साम सलाद शाले आबिर ताता रावा सारू नाहु तारिक इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह केदार अवाम हमल साबे सलमान अलैहिस्सलाम 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 अव्वादना नवाद नजार मुदर इलियास मुदर का कदीमा के नाना। यो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की लिस्ट पे नजर डाली, हजरत आदम ने देखा जो कमाल वाला नूर था वो नीचे से ऊपर को उठ रहा था। यार ये जुमला मैं चाहता हूं कि जरा आराम से आपको समझाऊं। उन्होंने अपनी औलाद पे नजर डाली, जाहिर नबियों को देखा, जनाबे हजरत दनियाल को देखा, शीश को देखा, यानस को देखा, हजरत इदरीस को देखा, जनाबे इब्राहिम को देखा, जनाबे इस्माइल को देखा, सबको ऊपर से नीचे देखते देखते आए तो फरानूरन सातियन फी असफलिहिम, तो देखा कि एक नूर जो नीचे से ऊपर उठ रहा है। नीचे से नहीं, बात समझ रहे ना, कौन सा नीचे से ऊपर। फकाल यार बे माना आजा, हजरत आदम ने फरमाया रब्बा सारी औलाद ही चंगी है पर जेड़ा नूर सारे नु मुनव्वर कर रहा है कौन है? ये अद्धे बोले हो भाइयों। काल हाजा नबीयुका अहमद व हुवा अव्वलुन व आखिर अव्वलुन व आखिर। ए प्यारे आदम, ये जो नूर नीचे से ऊपर की जानिब उठकर तुझ तक पहुंच रहा है, ये कोई और नहीं, ये तेरा नबी है, ये तेरा नबी है। फिर जुमला, ये तेरा नबी है और ये अव्वल भी है, ये आखिर भी है। हजरत आदम ने जब ये देखा, कोई ऐसा भी है जो मुझसे भी ऊपर है। अब यहां पर आपको दो दो अलग अलग थलग सोचे नजर आएंगी। जब शैतान पलीद लहीन कमीना चौथे जाप में जब उसने गया ना, तो कई हजार साल की इबादत के बाद इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, एक कोठरी को देखा, अर्ज की रब्बा इधर क्या है? पर मैं मेरे राजों में से एक राज छुपा है, मालिक दिखा ना। पर मैं 50,000 साल और लगा, 50,000 years, 50,000 साल मजीद लगा रहा, सजदे पे सजदा, ठक्का ठक, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, जमीन का कोई कोना उसने नहीं छोड़ा जहां उसने सजदा न किया। भाई 50,000 सालों में उसने कहां कहां सजदे किए होंगे? भाई सोचो, इस लालच में कि खुदा के राजों में से उस राज को देखूंगा। रोज जब साल आ साल बढ़ते, कहता मैं इतनी इबादत गुजारियां कर रहा हूं, मेरी भी तो कोई शान होगी ना। जब 50,000 साल के बाद
की बारगाह में गया, रब्बा दिखाना अपना राज। मेरे रब ने फरमाया फरिश्तो दिखाओ इसे राज। तो ये गया, एक नूरी कोठड़ी थी, बंद दरवाजा चारों तरफ से, रब्बा इसका तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा। फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाह व सलातो व सलामु अला रसूलिल्लाह। ना जी ना, ना जी ना, ऐसे नहीं ऊंचा, ये जरा पढ़ना। जब उसने पढ़ा दरवाजा खुला, अंदर नूरी नूरी फ्रेम लगा हुआ था। ये लफ्ज मेरा है, फ्रेम ये मैं बोल रहा हूं, मगर ना लफ्ज ये है रिवायत के। नूरी लफ्जों में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देख के शैतान जल गया, उधर जला उधर गिरा, उधर दिल में नबूक आया मेरे नबी का। 50,000 साल ये और लाखों साल दूसरे, ये बातें मैं कर रहा हूं, रब के नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा है, उधर दिल में बुग्ज आया। ये आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार, इमाम सुयूती लिखते हैं ये तो बहाना था, मगर ना जलील तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे नबी का नाम देख के जल गया था। मेरे दोस्तों, बस आदमियत में और शैतानियत में फर्क इतना है, नाम मोहम्मद देख के खुश हो जाए वो बंदे का पुत्र है, और नाम नबी सुन के पढ़ के देख के जल जाए वो शैतान का बच्चा है। भाई बात आपको समझ आई कि नहीं आई? नाम नबी देख के मचल उठे वो आदम की औलाद है, और मेरे रसूल का नाम सुन के पढ़ के दिल दुख जाए शैतान का बच्चा है। तो आज के बाद आपको आदम के बच्चे और शैतान के बच्चे की पहचान हो गई कि नहीं हो गई? ओ भाई, ये शक्ल सूरत नहीं, कुरान कहते हैं मिनल जिन्नत वन नास, ये सारे शैतान जिन्नों में से नहीं होते, और कोई शैतान जिन्नों में इंसानों में से भी होते हैं। अब आप सवाल करते होंगे जी कि यार ये इंसानों वाले शैतान कौन से हैं, तो आज ये पहचान सुन के उठो, जो मेरे मुस्तफा का नाम, मेरे नबी की शान, मेरे नबी का कमाल सुन के पढ़ के देख के जल जाए। कौन है भाइयों? शैतान। आए हाय, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब मैं आपको बताने लगा शैतान ने क्या किया था, जल गया था। अब हजरत आदम ने जब ये देखा, इमाम बेकी ने जरा लफ्ज इजाफा किए, रब ने अगली बात भी बताई, फरमाया आदम जी ये तुझसे पहले भी ये नबी भी तुम्हारा है, वह अव्वल मन यदखुल जन्ना, जन्नत में तुमसे पहले जाएगा। यार मेहरबानी फरमाए, ये आदम ये जन्नत में तुझसे पहले जाएगा। अब हजरत आदम जले नहीं, हजरत आदम सड़े नहीं। فقال الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يسبقني الى الجنه ولا صدقوا حضرت آدم بولے آپ نے فرمایا اللہ تیری تعریفیں تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد میں سے ایسی ہستی بنائی ہے ایسی ذات بنائی ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی اور رب میں حسد نہیں کرتا میں خوش ہوتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک مشہور نعت لکھی ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چند لوگوں کے کلام کو بڑی شہرت بخشی قصیدہ بردہ امام بوسیری کا بڑی شہرت بخشی سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ نے بڑی شہرت بخشی سب سے اولا والا ہمارا نبی اللہ نے بڑی شہرت بخشی اج سے کم اتنا دی ودھیری ہے اللہ نے بڑی شہرت بخشی اور میں اکثر سوچا کرتا ہوں نہ جانے یہ عاشق کس عشق کی لہر میں تھے جب یہ کلام لکھ رہے تھے کہ آج اتنا زمانہ ہو گیا بچہ بچہ ہر نسل آتی جاتی ہے وہ شعور میں قدم رکھتے ہیں ان کے کانوں میں یہ لفظ پہلے آتے ہیں سب سے اولا لاما میرا مطلب
अब ये ना आप सुनाना नहीं है, बल्कि ये जो पीछे दो हदीसें मैंने सुनाई है, आला हजरत ने किस प्यार से इन दोनों हदीसों को अपने कलाम में जिक्र फरमाया है। वो फरमाते हैं अव्वल व आखिर जरा कैसे लेके आए, वो फरमाते हैं जरा सुन सुनना गौर से, कि बज़्मे आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, अव्वल आखिर बज़्मे आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, बज़्मे आखिर का शम्मा फरोज़ा हुआ, नूरे ओ वल का जलवा मा, नूरे ओ हुवल अव्वल वल आखिर, होए नूरे ओ वल का जलवा। और अगली बात जरा सुनो, हजरत आदम को मेरे रब ने फरमाया, ओ आदम वो नबियों का वो तेरा भी नबी होगा तेरी औलाद में से, लेकिन होगा तेरा नबी तो मेरा नबी, आदम कभी नबी, नूह कभी नबी, दानियाल कभी नबी, शीश कभी नबी, मेरा नबी इब्राहिम हो, इस्माइल हो, याकूब हो, यहया हो, यूसुफ हो, अय्यूब हो, दानियाल हो, जनाबे हजरत मूसा हो, ज़करिया हो, ईसा हो, साले हो, याकूब हो, यूसुफ हो, अय्यूब, सारे नबियों का नबी मेरा नबी है। आला हजरत क्या खूब ये जुमला लेके आए, फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। मेरे दोस्तों जब ये शेर, वैसे में जमाना ही हुआ हम ये नात पढ़ते हैं, लेकिन आज मैंने दिन को जो स्टडी के दौरान जब इस शेर पे मेरी नजर गई, मैं कहता हूं मेरा दिल धड़कने लगा कि यार ये क्या लिख दिया आला हजरत ने। बात सुनो, ये अब शायर खुद नबियों से मुखातिब होने लगा है। ए, क्या कहते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। ये वो मालिको सवाल वाला है, क्यों जी मालिको दसो, ये वो वाला मालिको है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। हाय हाय, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। मेरे ख्याल में आपकी तवज्जो इधर उधर हो गई और इसकी लज्जत तो नहीं समझ सके। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर सारे पैगंबर मेरे सामने आए तो मैं उन नबियों से ये अर्ज करूं, क्यों जी मालिको, यानी वो है नबी हैं पर हमारे मालिक ही हैं, हैं? मैं उनसे अर्ज करूं, क्यों जी मालिको, वो जो तुम्हारा नबी है बताओ ना फिर वो हमारा नबी कैसा शानों वाला नबी है। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी सबसे और